नमस्कार, मैं मेघा। शुभ रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंस्टेंट चकली बनाएंगे, वो भी घर में रखे दो, खाली दो ही चीज़ों से। एकदम बनाने में आसान, इतनी टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। देखिए, एकदम क्रिस्पी बनती है और इतनी अच्छी लगती है कि आप इसे बनाकर फ्रिज एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेगी, उतनी ही टेस्टी लगेगी और एकदम इंस्टेंट है। बनाने में भी आसान है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है, एकदम बारीक वाली सूजी लेना है हमें। और दूसरी तरफ गैस पे मैंने एक पैन रखा है, उसमें हम लोग 2 कप पानी डालेंगे। 1 कप सूजी के लिए 2 कप पानी ही डालना है और पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तभी इसमें हम लोग स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1 चम्मच यहाँ पर घी डाला है मैंने। और घी को अच्छी तरह से पिघलने देंगे और पानी को अच्छे से उबाल आना चाहिए, तभी हम लोग इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो अभी मैंने घी को यहाँ देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। घी अच्छी तरह से पिघल गया है और पानी भी थोड़ा उबलने लगा है। तो अभी इस समय हम लोग इसमें सूजी ऐड करेंगे और सूजी डालते ही हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। एकदम तुरंत मिलाने मिक्स करने चालू करेंगे तो बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते। एकदम मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है। सूजी को एकदम गाढ़ा होने तक इसे पकाना है, इसलिए हमें 2 कप पानी डालना बहुत ज़रूरी है 1 कप सूजी के लिए। अभी देखिए सूजी अच्छे से गाढ़ी होने लगी है, बस इसी तरह से हमें ये गाढ़ी होने तक पकाना था। अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे सूजी को। सूजी को एकदम भी नहीं, एकदम हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे एक बड़ी वाली डिश ली है, उसमें हमें सूजी को निकालना है। और सूजी जब भी गर्म रहती है तभी हमें इसे गूंदना है। तो इसमें हम लोग अभी मसाले ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, ताकि एकदम मार्केट जैसे हमारी ये चकली बन के रेडी हो जाए। इंस्टेंट है फिर भी इतनी टेस्टी लगती है। अभी सूजी एक डिश में मैंने निकाल लिया है, तो इसमें हम लोग मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे धनिया, धनिया पाउडर और हल्दी 1/4 TSP जितना। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाला है और हींग डालेंगे 1/2 TSP और 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने वाइट वाला तिल लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा ही नमक डालेंगे क्योंकि, और इसमें हम लोग डालेंगे अजवाइन, तो 1 चम्मच जितना अजवाइन हाथ में क्रश करके डाला है। याद रखिएगा नमक थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हमें सूजी उबालते हुए नमक डाला है। तो अभी इसमें हम लोग 2 कप चावल का आटा डालेंगे, जो रोटियां बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वही चावल का आटा लेना है। और सूजी गर्म है तभी इसे अच्छी तरह से गूंदना, मिक्स करेंगे हम लोग ताकि मसाले और आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सूजी में। देखिए थोड़ा गर्म है तो थोड़ा ध्यान से इसे गूंदिएगा और थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लेके हमें ये सूजी और चावल के आटे को गूंदना है, अच्छे से डो बनाना है। एकदम पतला भी नहीं और ना ही एकदम टाइट, मीडियम जैसे हमें इसे डो गूंदना है। तो एक साथ पानी बिल्कुल भी ना डाले, थोड़ा थोड़ा सा ज़रूरत के अनुसार ही पानी डाल के मैंने यहाँ पर आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। देखिए एकदम ना ही सॉफ्ट है ना ही हार्ड है, इसी तरह से आटा गूंदना है। तो तुरंत चकली बनाने लेंगे हम लोग। तो इसके लिए चकली के साँचे को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है अंदर से, और ये चकली का साँचा मैंने अंदर डाला है स्टार वाला। तो इसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा हल्का सा राउंड लंबा ऐसे हम लोग करेंगे ताकि हमें साँचे में फिल करने में आसानी हो। देखिए इस तरह से साँचे में डालना है और जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैटर लग रहा है वो मैं निकाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा गैप रहना बहुत ज़रूरी है इस तरह से। तो अभी ऊपर से कवर करके हम लोग चकली पाटने लेंगे। एकदम आसानी, बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को तो आप बना के दे सकते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे चकली निकालने के लिए मैंने एक वाइट वाला पेपर लिया है, आप चाहिए तो बटर पेपर भी ले सकते हैं। देखिए अभी चकली अच्छे से हम लोग निकाल रहे हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रही, एकदम टेस्टी ऐसी ये चकली हमारी बन रही है, एकदम ज़बरदस्त। देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटी है, हम लोग जब भी चकली निकाल रहे तो साइड के कोने को मैंने अच्छे से ज्वाइन कर लिया और बीच का भी कोना ज्वाइन करना है ताकि हम लोग जब भी चकली फ्राई करेंगे ना तो वो छूटे नहीं इसलिए। और साइड साइड से एकदम
ज्वाइंट करके ये हमें चकली को घुमाना है ताकि बिल्कुल भी गैप ना रहे बीच में। तो इस तरह से हमें चकली गिराना है। देखिए साइड से मैं अभी नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, दम मस्त ऐसे शेप आ रहा है इसको, बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। यानी हम लोगों ने जो आटा बनाया है इंस्टेंट आटा, वो बिल्कुल सही मात्रा में बना है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और इन्जॉय कीजिए चकली। अभी इसी तरह से मैं सब थोड़ा चकली बना के रेडी कर रही हूँ। तो मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी है जिसमें ऑयल गरम करने रखा है। ऑयल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गरम होगा तो हमें ये ऐसे चम्मच से ऐसे चकली को उठाना, एकदम आसान है उठाना, और धीरे से ऐसे ऑयल में छोड़ेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गरम होना बहुत ज़रूरी है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें ये चकली को थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। मीडियम ही फ्लेम रखी है ताकि अच्छी तरह से चकली अंदर तक फ्राई हो जाए। अगर हाई फ्लेम पे आप चकली छोड़ने फ्राई करने जाएंगे तो चकली ऊपर से फ्राई होगी और अंदर से नरम रहेगी, और थोड़ी देर के बाद वो एकदम ही नरम पड़ेगी। तो एकदम क्रिस्पी होने के लिए चकली को थोड़ी मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। और एक साइड से अच्छे से फ्राई होने के बाद ही इसे दूसरी तरफ से पलटिए, फ्राई कीजिए। देखिए हम लोग फ्राई करें तो भी बिल्कुल भी नहीं टूट रही है, यानी हमारे जो चकली है वो बराबर सही मात्रा में बनी है। एकदम इंस्टेंट ऐसी चकली आप भी ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और ये मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अपनी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन में प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो नई नई रेसिपी वो आपके पास तुरंत पहुँचे। चकली का कलर देखिए कितना बढ़िया है, एकदम मस्त से ऐसे क्रिस्पी हमारी चकली बनी है। अच्छी तरह से अंदर तक हम लोगों ने अच्छे से फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे। वो चकली हमारी देखिए गोल्डन थोड़ा कलर हो गया है, यानी हमारी चकली अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसे मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह से सब चकली फ्राई कर लेती हूँ मैं। आपको देख के ही पता चला होगा कि चकली हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनी, एकदम टेस्टी ऐसी चकली बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं बनाते समय। आप इसी मात्रा में ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए ये इंस्टेंट चकली। और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा ये चकली आपको कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी ऐसी है चकली, बन के रेडी हो जाती है, बच्चों की भी बहुत पसंद आएगी। तो बना के इन्जॉय कीजिएगा ये चकली, इंस्टेंट चकली।